नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ BSTC 2020 कट ऑफ के बारे में कि इस साल BSTC की जो कट ऑफ है वो बहुत कम क्यों रहने वाली है, क्या कारण है। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा है कि BSTC की जो कट ऑफ है वो इस साल कम रहने वाली है, और आपको दिख रहा भी होगा जनरल 320 मैंने लिखा है, OBC 300, SC 270, ST 230। तो इतनी कम क्यों रहने वाली है, क्या कारण है, मैं आपको प्रूफ दूंगा। ऐसे नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे लाइक एंड व्यू के लिए बना रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, आपको प्रूफ सहित बताने वाला हूँ कि मैं इस बार ये कट ऑफ इतनी कम क्यों रहने वाली है, क्या कारण है कट ऑफ कम रहने का। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इस बार कट ऑफ कम क्यों रहने वाली है। 230 या जो 150-250 नंबर, जो 250 नंबर वाले उनका भी इस बार नंबर पड़ने वाला है, तो आपको मैं कारण बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है लाइक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कारण बता देता हूँ। तो जो कारण है वो BSTC 2020 के कट ऑफ कम रहने के वो क्या है, मैं आपको बताऊँ। तो जो एक नंबर कारण है वो है 95% स्टूडेंट्स इज द क्लास 12। तो जो क्लास 12 है इसमें क्या संबंध हुआ BSTC से, तो अगर आपने पेपर दिया होगा या आप क्लास 12 से है तो आपने पेपर दिया होगा, आपने सेंटर में देखा होगा जो बच्चे थे वो बहुत छोटे बच्चे थे, वो क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स थे, जो कंपटीशन की तैयारी करने वाला एक भी बच्चा नहीं था। यानी मैं आप समझ गए होंगी कि क्लास 12 ने अभी जो बच्चे थे वो उन्होंने अभी क्लास 12 का पेपर दिया और अब वो BSTC का पेपर दे रहे हैं, तो इसलिए कट ऑफ तो कम रहने वाली है उनकी वजह से, क्योंकि उनकी अच्छी तैयारी नहीं हुई है, इस कारण से उनके अच्छे नंबर नहीं बनने वाले, तो कट ऑफ कम रहने की पूरी पूरी संभावना बनती है क्लास 12 की वजह से। अब एक दूसरा कारण देखें, दूसरा कारण मैं आपको बताऊँ, तो वो कारण है, दो नंबर जो कारण है वो है नो कोचिंग। तो ये कोचिंग से क्या मतलब है इसका, कि जो आपको कहूँ तो नो कोचिंग इसका क्या मतलब है, तो आपको पता है कि कोरोना की वजह से कोई भी कोचिंग नहीं हो पाई। क्या कोरोना काल की वजह से सभी कोचिंग्स भी स्कूल्स बंद थे, इस कारण से एक भी कोचिंग नहीं हो पाई। तो इस कारण से क्या हुआ कि कोचिंग बंद होने के कारण बच्चों की अच्छी तैयारी नहीं हो पाई, तो इस कारण वो सारे बच्चे वो अपने घर पर ही रहकर पढ़ाई कर पा रहे थे, और घर पर आपको पता है अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई। तो इस कारण से कोचिंग बंद होने के कारण से इस बार क्या होने वाला है, जो कट ऑफ है वो बहुत कम रहने वाली है। तो तीन नंबर जो मैं आपको कारण बताऊं तो वो क्या है, वो है COVID-19। तो COVID-19 का क्या संबंध है इस कारण से, आज COVID-19 के बारे में आपको मैं बताऊं, तो जो COVID-19 है उसकी वजह से जो कुछ बच्चे थे उन्होंने पेपर नहीं दिया, तो कुछ बच्चों को डर लग रहा था कि कोरोना का काल चल रहा है, कहीं कोरोना ना हो जाए, इस कारण से कई बच्चों ने तो पेपर ही नहीं दिया, वो अपने घर पर ही थे, पेपर देने के लिए भी नहीं गए थे। चार नंबर कारण मैं आपको बताऊं, GK 10 क्वेश्चन। तो इसका क्या मतलब है, तो आपने पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा GK के 10 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको लगा होगा कि मुझे नहीं आ रहा है इसका क्या उत्तर होगा, तो वो सभी के गलत थे, आपकी गलती नहीं है, वो किसी को नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं इन 10 क्वेश्चनों का उत्तर खोजकर बहुत मुश्किल से लाया हूँ, वो आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो GK के 10 ऐसे क्वेश्चन थे जो किसी के नहीं आते थे, शायद ये बहुत हार्ड क्वेश्चन थे, इन किसी का भी सही न हो इसलिए इसके भी नंबर कटने वाले, इस कारण से भी क्या कट ऑफ कम रह सकती है। अब मैं आपको तुलना कर बताता हूँ 2020 की 2019 से, कि 2020 में क्या कुछ था और 2020 में क्या कुछ हुआ। तो अब मैं देख के आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपको 2019 और 2020 दोनों के बारे में बता दूं। तो 2019 की अगर हम बात करें तो 12 लोग फार्म भरे गए, कितने 12 लाख फार्म भरे गए, और 2020 में 6.5 लाख। आप देख सकते हैं कितना अंतर है, 2019 में 12 लाख और 2020 में केवल 6.5 या 6.7 लाख फॉर्म भरे गए थे, ठीक। और इनमें से एग्जाम 2019 में एग्जाम कितने बच्चों ने दिया, 11 लाख ने एग्जाम दिया, 2020 में 5 लाख ने, कोरोना की वजह से इस बार थोड़े कम हो गए, तो 5 केवल और केवल 5 ही लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, 5 ही लाख, पिछली बार 11 लाख। तो 11 लाख और 5 लाख में कितना अंतर, आप खुद भी सोच सकते हैं, इतने समझदार तो होंगे, तो आप सोच सकते हैं BSTC कट ऑफ तो कम रहने ही वाली है। अगर कट ऑफ की बात करें तो पिछले साल जनरल की 384 से 420 थी, इस साल मैं कहूँ तो आपको 320 के साल 2019 में 380 से 420 थी, इस साल मैं आपसे कहूँ 2020 में तो जनरल की रहने वाली है 320 से 350 तक, OBC की पिछले साल 360 से 380 तक थी, इस बार मैं कहूँ तो 300 से 320 तक OBC की कट ऑफ रहने वाली है, SC की पिछले साल 350 से 370 तक थी, इस बार कहूँ तो 270 से 300 तक रहने वाली है, ST की 335 से 350 तक थी, और इस साल में अगर आपसे कहूँ तो ये रहने वाली है 230 से 200
50 तक। तो ये कट ऑफ रहने वाली है। अगर बात करें तो पिछले साल जो सीटें थी वो कितनी थी, वो सीटें थी मैं आपको बता दूं टोटल, पिछले साल सीटें थी 22 से 23 हजार मान लीजिए, ठीक है ना, 23 हजार सीटें थी। अगर इस बार मैं आपसे कहूं कि कितने सीटें हैं, तो वो सीटें हैं फ्रेंड्स 26 से 27 हजार सीटें हैं इस बार। कितनी? 27 हजार। तो 27 हजार सीटें इस बार, आपको पता है सीटें भी ज्यादा है और कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। तो इस बार आप नौकरी के लिए तैयार हो जाए, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला। आपको मैंने कारण बता दिया कि किस कारण से बीएसटीसी की कट ऑफ कम रहने वाली, आप इतनी बातों से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक करना तो भूलना ही नहीं। तो जल्द मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। See the horizon, turn us to